हेलो गाइस, सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्री के इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के बारे में. हम लोगों ने बात की थी कि हाउ टू ट्रैवर्स द एलिमेंट इन ऑर्डर फॉर्मेट, हाउ टू ट्रैवर्स द एलिमेंट इन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फॉर्मेट. ओके, एंड इवन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीएसटी, है ना. हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात की थी, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट हमने अभी तक थ्योरेटिकल पे डिस्कस किया था कि मैंने आपको कुछ एलिमेंट दिए थे और उन एलिमेंट्स को लेके हमने ट्री का क्रिएशन भी देखा था और ट्री में इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग भी देखे थे, राइट. लेकिन अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंप्लीट थिंग्स, राइट. कि इस पूरे, अगर मुझे ट्री क्रिएट करना है तो हाउ इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द ट्री. यदि मुझे उसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करना है तो कैसे हम इसका कोड लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो इसके कोड में आती है कि हाउ टू राइट द कोड ऑफ ऑल दिस एप्लीकेशंस, राइट. तो यहां पर आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि ट्री का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स की बात करें तो कंप्लीट ट्री इज बेस्ड ऑन रिकर्शन. नो डाउट हम नॉन रिकर्सिव कोड की भी बात करेंगे, हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव दोनों कोड देखेंगे, लेकिन ट्री क्रिएशन जो कोड है आपका वो पूरी तरह से रिकर्सिव बेस्ड है. अब नो डाउट आपने रिकर्शन थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो, आई डोंट नो. तो यहां पर पहले मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है रिकर्शन, क्योंकि अंटिल अनलेस आप रिकर्शन को नहीं समझेंगे तो ट्री के क्रिएशन में भी हमें प्रॉब्लम आएगी और इसके इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर के कोड में भी हमें प्रॉब्लम आएगी. ओके, तो पहले हम रिकर्शन को समझते हैं. रिकर्शन क्या है, रिकर्शन किस तरीके से वर्क करता है, रिकर्शन कितने टाइप का होता है, ओके, और किस तरीके से रिकर्सिव बेस्ड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स होती हैं. ओके, सो द टॉपिक इज बेसिकली विल टॉक अबाउट रिकर्शन. हम बात करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में कि रिकर्शन क्या है. तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रिकर्शन, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है ना, जनरली हमने पढ़ा है कॉल बाय वैल्यू, ओके, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, ओके, लेकिन जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिकर्शन. व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्शन. और जिस फंक्शन में हम रिकर्शन अप्लाई करते हैं वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, यदि सपोज मैं बोलता हूं मैंने मेन में एक फंक्शन कॉल किया है एबीसी, राइट. अब हमने एबीसी को डिफाइन किया. अब मान लो अगर मैंने एबीसी में दोबारा एबीसी को कॉल कर लिया, है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, नो डाउट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हमने मेन में कॉल किया एबीसी को, प्रोग्राम एबीसी के एग्जीक्यूशन पे आएगा और दोबारा एबीसी में हमने फिर से एबीसी को कॉल कर लिया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट रिकर्शन, दूसरा इनडायरेक्ट रिकर्शन. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन, कि जब एक फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, नो डाउट ये एक सर्टन कंडीशन तक होगा. जनरली हमने लूप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ठीक है कि लूप में कोड इटसेल्फ कोड एग्जीक्यूशन करता है, यहां पर हम फंक्शन एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि यदि ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे रिकर्शन. और यहां पर हमने रिकर्शन किस में अप्लाई किया है, एबीसी में, तो इस एबीसी को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन, ये कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन. ओके, तो ये है डायरेक्ट रिकर्शन और मैक्सिमम कोड जो है वो डायरेक्ट रिकर्शन को प्रेफर करती है, ठीक है. लेकिन रिकर्शन का एक और टाइप है और वो है इनडायरेक्ट रिकर्शन. अब ये इनडायरेक्ट रिकर्शन मीन्स व्हाट, सपोज अगर हमने मेन में कॉल किया एबीसी को, ठीक है, फिर एबीसी में मैंने किसी फंक्शन को कॉल किया एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड देन एक्स वाई जेड अगेन कॉल एबीसी, एक्स वाई जेड ने दोबारा एबीसी को कॉल कर लिया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप देखो, एबीसी कॉल्स एक्स वाई जेड, अगेन एक्स वाई जेड कॉल्स एबीसी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल सर्टन कंडीशन. नो डाउट अभी तो ये दोनों इनफाइनाइट टाइम्स है, क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए भी बताया, राइट. तो ये जो एग्जाम्पल है इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन और ये जो है दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन. तो दो टाइप के हम रिकर्शन, हालांकि रिकर्शन के और भी टाइप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, टेल रिकर्शन क्या होता है, ओके, लेकिन दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट. रिकर्शन को अगर हम समझते हैं तो मैक्सिमम कोड जो हमारा रिकर्सिव बेस्ड होता है वो डायरेक्ट रिकर्शन पर बेस्ड होता है. डायरेक्ट रिकर्शन मीन्स जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, और इनडायरेक्ट रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, कि आपने एबीसी में कॉल किया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में आपने अगेन कॉल किया एबीसी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट को अभी ट्री में यूज करने वाले हैं वो है डायरेक्ट रिकर्शन. तो पहले आप यह समझिए कि डायरेक्ट रिकर्शन किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, क्योंकि ट्री के जितने भी प्रोग्राम्स हैं
दैट मोस्टली अ रिकर्सिव बेस्ड एप्लीकेशन है ना, सबसे ज्यादा हम रिकर्शन पे काम करेंगे. ओके तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि डायरेक्ट रिकर्शन किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, इसका कोड एग्जीक्यूशन क्या होगा. ओके जस्ट वेट. तो यहां पर हम दो तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है. पहले एग्जांपल में मैं मेन को रिकर्सिव बनाने वाला हूं, है ना. मेन को हम रिकर्सिव बनाते हैं, इट्स अ सिंपल प्रोग्राम फॉर प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10. लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आप समझना तो आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा कि यदि हम एक रिकर्सिव बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं अभी आपसे बोलता हूं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, है ना, मुझे एक सीरीज प्रिंट करना है 1 to 10, तो अभी हमारे दिमाग में इमीडिएट क्या आता है, हम लूप लगा लेंगे, हम व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, किसी से भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सीरीज प्रिंट करना है हमें, सी में आपने पढ़ी है, नंबर ऑफ सीरीज आपने पढ़ी है. लेकिन यहां पर हमें यही प्रोग्राम बनाना है विदाउट लूप. तो यदि ये प्रोग्राम विदाउट लूप अगर बनना है तो फिर यहां पर कॉन्सेप्ट आता है रिकर्शन का, कि यदि आप लूप नहीं लगा रहे हैं तो फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट हम किस पे जाएंगे, रिकर्शन पे. ओके तो यहां पर आप देखिए रिकर्शन किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखता हूं यहां पे मेन इंटीजर आई इक्वल्स टू 1. अब यहां पर एक और नई चीज की हम बात करने वाले हैं, है ना, उसको भी ध्यान देना आप. इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, अब हमने क्या लिखा है यहां पे, सिंपली इफ आई ग्रेटर देन 10, यदि आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर है देन गेट सी एच एंड देन एग्जिट. एग्जिट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सी विच इज बेसिकली यूज टू टर्मिनेट द मेन प्रोग्राम, कि जब भी आपको मेन को टर्मिनेट करना है देन विल कॉल एग्जिट मेथड एंड इट्स पैरामीटर इज एनी इंटीजर वैल्यू, विच यहां पर हमने 0 को यूज किया है. ओके अब यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा आई एंड देन आई प्लस प्लस. ओके कोड को ध्यान से समझना क्योंकि अभी इसमें एक और हम नए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं. अभी आई की वैल्यू 1 है, आई ग्रेटर देन 10, दैट इज ट्रू, अगर होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम सीधे यहां पर आई की वैल्यू प्रिंट करेगा आई प्लस प्लस एंड देन आई अगेन कॉल मेन इन साइड अ मेन. हमने दोबारा मेन में मेन को कॉल कर लिया एंड दिस इज नॉट रिकर्शन. लेकिन अभी इसमें एक मेजर ड्रॉबैक क्या है आप समझना, ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूशन अभी है, मतलब ये कोड अगर मैं रन करूंगा तो दिस इज इनफाइनाइट कोड, ये चलता रहेगा. रीजन क्या है आप देखो, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको याद हो या आपने सी में पढ़ा है कि जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस वेरिएबल के डिक्लेरेशन में डेटा टाइप के साथ में हमें इसकी स्टोरेज क्लास भी बतानी होती है. किस वेरिएबल की स्टोरेज क्लास क्या है, सी में 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती है, एक होती है ऑटो, दूसरी होती है रजिस्टर, तीसरी होती है स्टैटिक एंड लास्ट होती है एक्सटर्नल. ये चारों होती है स्टोरेज क्लासेस, ठीक है, समझना इसको, ये चारों स्टोरेज क्लासेस है. ये सी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा सी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टोरेज क्लासेस क्या होती है. तो यदि एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, दैट मींस डिफॉल्ट मींस हमने अभी नहीं बताया कि इस वेरिएबल की स्टोरेज क्लास क्या है, तो इसकी जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है वो होती है ऑटो, राइट. अब मतलब इसके आगे अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो ये ऐसा होना चाहिए, ऑटो इंटीजर आई इक्वल्स टू 1. मतलब अगर मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब है आपका जो कंपाइलर है वो इसकी डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या कंसिडर करेगा, ऑटो. और यदि इसने ऑटो कंसिडर किया है तो क्या होगा, देखो आप, ऑटो की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि मैं ऑटो को यूज करूंगा तो ऑटो का बिहेवियर क्या है, I की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, 1 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, प्रिंट एफ आई क्या प्रिंट हुआ 1, आई प्लस प्लस आई कितना हुआ 2, दोबारा मेन ने मेन को कॉल कर लिया. अब जब दोबारा मेन कॉल होगा तो बच्चे ये वेरिएबल फिर से 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरेज क्लास ऑटो है और ऑटो का जो नेचर होता है वो है इनिशियलाइजेशन एवरी टाइम. जब जब ये कोड चलेगा ये आई को फिर से 1 से इनिशियलाइज कर देगा क्योंकि बैकग्राउंड में जो मेमोरी यूज कर रहा है वो है स्टैक मेमोरी. याद है हमने इनिशियली पढ़ा था
और वो इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरेज क्लास क्या है, ऑटो। गॉट माय पॉइंट? पर यदि ये वेरिएबल वन से इनिशियलाइज हो गया तो कभी मैं 10 तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो ये तो 1111111 चलता रहेगा प्रोग्राम। अरे देखो आप, आई की वैल्यू फिर से 1 हो गई, 1 greater than 10 फॉल्स, अगेन इट प्रिंट्स 1। देन आई प्लस प्लस, आपने फिर से इसको 2 किया, लेकिन फिर इसके बिहेवियर के कारण ये फिर से 1 हो गया। तो यदि आप चाहते हैं ये ऐसा वेरिएबल हो जिसका इनिशियलाइजेशन केवल फर्स्ट टाइम पे हो, एक ही बार, एंड सेकेंड टाइम इट कंसिस्ट द प्रीवियस वैल्यू, तो इसकी स्टोरेज क्लास चेंज करके आप क्या लिख दो, स्टैटिक। यदि आपने इसको स्टैटिक बना दिया तो अब इसका मतलब ये है, और आप समझना, जब हम डायरेक्ट रिकर्शन को यूज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं ये वेरिएबल फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज हो, वन के साथ सेकेंड टाइम जब ये कोड एग्जीक्यूशन हो तो इस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो अब क्वेश्चन आता है, सर स्टैटिक से ऐसा क्या होगा? स्टैटिक स्टोरेज क्लास है जो इस वेरिएबल के मेमोरी टाइप को बदल देती है। यदि आपने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, दैट मींस अब ये वेरिएबल जो आई है ये मेमोरी में स्टैक मेमोरी को ना यूज करके हिप मेमोरी को यूज करेगा, और अगर इसने हिप मेमोरी को यूज किया है तो इसका मतलब है इसका इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा फर्स्ट टाइम पे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इन इंटरव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक मेमोरी एंड हिप मेमोरी? स्टैक मेमोरी और हिप मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट माय पॉइंट? तो अब आप देखो, यदि मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक स्पेस int i equals to 1, तो अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो i की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1, 1 greater than 10, फॉल्स, printfi, क्या प्रिंट किया इसने? 1, i plus plus, i कितना हुआ? 2, अब सेकेंड टाइम पे जब ये कोड एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, सो दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूट, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेमोरी डिक्लेयर्ड है, तो क्योंकि इसका बिहेवियर आपने क्या कर दिया है, इसकी स्टोरेज क्लास हमने क्या कर दी है, स्टैटिक, तो अब इस वेरिएबल को सेकेंड एग्जीक्यूशन में कौन से वैल्यू को यूज करना है? 2 को, क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होगा। ये ऑटो और स्टैटिक में सबसे मेजर डिफरेंस है। ऑटो इनिशियलाइज एवरी टाइम इन प्रोग्राम, वाइल स्टैटिक इनिशियलाइज ओनली 1। रीजन, ऑटो यूजेस स्टैक मेमोरी, स्टैटिक यूजेस हिप मेमोरी। गॉट माय पॉइंट? तो अब यदि इसका इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं हुआ तो आई की अभी करंट वैल्यू क्या है? 2, 2 ग्रेटर देन 10, फॉल्स, नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस, आई कितना हुआ? 3, अगेन रिकर्शन, स्टैटिक के कारण इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, आई की वैल्यू कितनी है? 3, देन 4, 5 से लेके 10, जब आई 10 प्रिंट करेगा, देन आफ्टर आई प्लस प्लस, एंड दैट इज सॉरी 11 ग्रेटर देन 10, नाउ इट्स ट्रू। अगर ये ट्रू है तो गेट सी एच स्क्रीन होल्ड होगी आपकी, जस्ट चेक योर आउटपुट, एंड एग्जिट के कारण आपका प्रोग्राम मेन को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि यहां पर आप समझिए रिकर्शन के कारण आपका प्रोग्राम नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं कर रहा है। नॉर्मल टर्मिनेशन मतलब जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है, कि आपका प्रोग्राम मेन से शुरू हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट से और क्लोजिंग ब्रैकेट पे एंड हो गया, यह होता है नॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन यहां पर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन कर रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने रिकर्शन यूज किया है, और रिकर्शन के कारण आप देखिए ना, प्रोग्राम यहीं से वापस टर्न हो रहा है, वो क्लोजिंग ब्रैकेट पे तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि एवरी टाइम इट एग्जीक्यूट द मेन, वो हमेशा मेन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और मेन को एग्जीक्यूट करने के कारण आपका प्रोग्राम क्लोजिंग ब्रैकेट तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब प्रोग्राम से बाहर कैसे आए? तो हमने बोला इस कंडीशन पे एग्जिट फंक्शन है जो प्रोग्राम से आपको बाहर कर देगा, राइट? तो ये है रिकर्शन कॉन्सेप्ट, ये है सिंपल एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, जहां पर हमने मेन को रिकर्शन बनाया है, जहां पर हमने मेन में रिकर्शन को अप्लाई किया हुआ है। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। इसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल में एक बार फिर से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बार आप इस प्रोग्राम को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, रिकर्शन को समझिए, इसी को लेके हम नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।